नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, 7 बजने वाले हैं। और अभी मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, तो मैं भी अभी आई हूँ काम करने के लिए। और आज मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा, बाकी तो हो रहा खैर किचन का ही डरा, किचन का ही पड़ा रहता है। और यहाँ पे देखिए गुड्डू बना रही है मैगी। मैगी सारे ही बहन भाइयों की कौन सी बना रही है? अच्छा, फ्री का फ्री में ही बता दें सारी चीज बिना पूछे ही है। बस यही गिफ्ट है यहाँ पे, रक्षाबंधन का। गुड्डू बना रही है सबके लिए मैगी। ये चारों पांच बहन भाई हैं इकट्ठे हो रहे, और इनको ये भूख लग रही। तो अभी तो मैं खाना बना नहीं रही थी, मैं वीडियो कर रही थी, तो गुड्डू कहने लगी लाओ मम्मा मैं इनके लिए सबके मैगी बना दूँ, वरना फिर इनको चाहिए बाहर का। बाहर का तो ना कर दिया, मैं कहा नहीं बाहर का नहीं खाना, क्योंकि बाहर का नुकसान देता है। और इनके संडे को ही बनती है ज्यादातर मैगी, संडे का दिन ही मैंने इनको बोल रखा, मगर दिन बना ले करो। मैक्रोनी तो तू खाता है, उनने तो उनने नहीं खाई। और यहाँ पे देखे दो जगह बनी है, ये तो इनके लिए प्योर हुई कृष्णा रिशु के लिए है ना, और वो उधर बननी गुड्डू के लिए, क्योंकि अच्छा दिखा दो बन गई, लो दिखा रही मैं। अरे नीचे दिखा दो कि गैस बंद कर। अच्छा लो जी गैस भी बंद होगी, अभी दिखा दी। कभी नु सोच रहे हो या बनी नहीं? अरे ये मैंने ना काम का ऊपर खेल लो, जब तक दीदी बना के दे रही है। ऊपर से आगे भी कम से कम 10 चक्कर इन्होंने नीचे मार दिए थे, मैगी बन तो बन तो बनी है नहीं बनी, बनी है नहीं बनी ना कृष्णा। और अब अभी बन के तैयार हुई वो दे देगी। अभी हो रहा परेशान प्योर हुई और ईशु वे अपना उधर खेल रहे, कहा था मैंने ऊपर खेल लो लेकिन आ ली अभी। और ये तीनों खा लिए देखियो, अब ये भी खाएंगे, बन गई सारी मैगी है। और ईशु के बाल बांध दिए प्यू, अब ठीक है निकल कुत के काटने ही काटने मुझे बाल, जब बांधती नहीं चोटी बना दे इनकी, बस जब बांधती नहीं जब भी बांधू जब भी खोल दे। और आपको बताऊं आज दोपहर तक के मेरे बर्तन पड़े हैं, मैंने दोपहर के भी नहीं गिरे करे साफ, और शाम के चाय वगैरह के भी सारे पड़े, चाय पी थी सबने, वे भी आ गए थे इंदुअल भी सबने पी ली थी, तो ये चाय के कप वगैरह सारे पड़े थे बर्तन, तो मुझे ये बर्तन भी साफ करने हैं। अब ये इनके मैगी के भी हो गए बन गए, बस खा लेंगे। ए बेटा नीचे बैठ के खा, गरम हो रही नीचे बैठ जाओ, ले जाओ भी हो अपनी ले लो, और यहाँ नीचे बैठ कर खा लियो, नहीं मैट बिछा लो। और यहाँ पे बस मैं बर्तन कर देती हूँ जब तक गुड्डू इनका कर लेगी, ये बना लेगी अपनी भी। और गुड्डू के पापा गए हुए हैं कटिंग करवाने, आज कटिंग पता नहीं क्या हो गया उनका, आज के जा रहे हैं वे लगभग 3 बजे के जा रहे हैं, और 7 बज गए, 4 घंटे हो गए इतने, पता नहीं वे दुकान पे हैं, पता नहीं वे कटिंग ही करवा रहे हैं, आज क्या करवा रहे क्या नहीं। मुझे लगता है वे झूठ बोलते थे, हम भी चले गए उनको लेने। अच्छा गाँव में चले गए वे, हमें भी झूठ बोल गए। अच्छा कृष्णा नु कह रहा आज वे तो झूठ बोल गए, हमें गाँव में चले गए। चला लो हाँ टीवी की, तुझे तो पता नहीं क्या क्या लग गया। ठीक है जी मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह अपनी, किचन साफ कर दूँ और बर्तन कर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 5:30 होने वाले हैं, और देखिए यहाँ पे हो गए हैं ये तैयार, और आज है इनकी जाने की तैयारी। इनको जाना है रामपुर भी जाएंगे, और बुआ जी के यहाँ भी, बुआ जी की तबीयत है ख़राब तो उनको देखने जाएंगे, थोड़ा सा काम इनको रामपुर भी तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए तैयार हो गए हैं ये, और बैग वगैरह सब पैक है इनका, पूजा पाठ इन्होंने कर ली, और खाने में इन्होंने कुछ नहीं खाया क्योंकि इनका है व्रत, आज सोमवार है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं देना। मैंने बोला भी कि दूध वगैरह ले लो आप, लेकिन ना कर रहे। तो अभी बस गाड़ी से जाएंगे, और जैसे ही चलने का टाइम हुआ तो बारिश भी शुरू होगी जल्दी, मतलब बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो अब देर ना करते हुए जल्दी चलते हैं, कभी ज़्यादा तेज आ जाए और फिर पार्किंग तक जाते जाते ही भीग जाए। तो ये जा ही रहे थे, यहाँ एक दो सामान था, ये रामपुर से जो आम वगैरह आए थे ना इसमें, मैं यहाँ पे ये ऐसे ही रखे ये लेते जाओ, तो चलो मैं चलूँ वहाँ तक है ले आ रही मैं, तो मैं चलती हूँ क्योंकि जो गाड़ी का कवर वगैरह है वो होता। तो यहाँ चलते हैं जी, और मैं भी जा रही हूँ पार्किंग तक, और बारिश देखे शुरू हो गई।
हल्की हल्की सी शुरू होगी। लो ले वो नहीं तो फिर सीधा होगी। और बच्चे अभी तक सो ही रहे, बस आके उठाऊंगी मैं। हम पहुंच गए जी पार्किंग में और गाड़ी का कवर निकाल देते हैं पहले। मैं निकलवा दूँ उनके साथ, इसीलिए आई मैं का कवर निकाल दूँ। तो कवर निकाल दिया और बस अब चल रहे हैं। और बारिश और भी तेज होगी इसमें। करो 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 करो, तो चल दिए जी बस ये। और अब मैं जाती हूँ घर। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर पे और अब बस उठाऊंगी बच्चों को और तैयार करूंगी। बस बच्चे जब तक तैयार होंगे तब तक मैं अपना उनका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बना के कर देती हूँ तैयार। और फिर मैं मुझे छोड़ने भी जाने, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है बारिश का, कभी बारिश तेज आ जाए और फिर अकेले को करना भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि दोनों तो एक काम में कर लेते हैं, एक मैं कर लेती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठा दूँ मैं, फिर मैं आराम से तैयार हो जाएंगे। तो बस फिर बच्चों को तैयार करके फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं छोड़ के आ गई हूँ बस में। और थोड़ी सी भाग दौड़ सी होगी क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी का रहता ही है, फिर पैदल जाना था। रोज अपने पापा के साथ बाइक पर जाते हैं, बाइक पर जल्दी चले जा तो थोड़ा दूर पड़ता है स्टॉप यार जी। और फिर बीच में क्या हुआ, गुड्डू का जो लैब कोट था वो भी याद नहीं रहा था ले जाना, फिर वो वापस आई बीच में से फिर लेकर गई, तो बिल्कुल एंड टाइम पर मिली आज। बस कल थोड़ा जल्दी करूँगी जिससे कि लेट ना हुए। लेट तो हुए नहीं लेकिन फिर भी है, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़गी। चलो थोड़ा ही है कि हो जाता है कभी कभी, वरना तो टाइम पे खाना खुना सारा ही बन गया था, बस पता नहीं कैसे हो गया। तो मैं अभी बस बच्चों को छोड़ के दूध वगैरह भी लेके आ गई और ले आई उधर से ही ले आई मुका, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा तो रख दिया। तो अब मैं लगती हूँ काम पे और मुझे यूँ भी नहीं पता कि आंटी आएगी नहीं, उनको भी कॉल करके देखती हूँ अभी कि आएंगी या नहीं। मैं तो मैं मशीन लगाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे धोने कपड़े 2-3 दिन के हो रहे हैं। जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक फिर मैं अपने घर की साफ सफाई कर दूँ, उसके बाद देखती हूँ कि झाड़ू पोछा मुझे करना। ऑफिस में तो करना ही है, खैर वहाँ तो मैं कर दूँगी, कि इधर घर में करना या फिर आंटी आएगी वो मैं देखूँगी ना पूछ के। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन। तो यहाँ पे देखिए जी मैं लगाने लगी हूँ मशीन, और मशीन में से सबसे पहले निकाल लूँगी कपड़े, कुर्सी पे रख लूँगी निकाल के। और कपड़े 2-3 दिन के हो रहे, क्योंकि संडे में भी नहीं धोए, सैटरडे में भी नहीं, शायद धोए फ्राइडे को धोए थे, क्योंकि संडे में मैंने ड्रेस हाथ से ही धो दी थी बच्चों की। और यहाँ पे बस जो मशीन में थे मैं निकाल लिया, बाकी सारे मैं कर लूँगी इकट्ठे। तो सबसे पहले इसमें पाइप लगा के छोड़ देती हूँ मोटर चला के, तो पानी भर जाएगा जब तक तार वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि इसमें तार भी लगाए जाते हैं। उसके बाद बस डाल देती हूँ सरफ और फिर कपड़े निकाल लूँगी। जब तक ये पानी भरेगा, सरफ वगैरह घुलेगा, तब तक जो वाइट कपड़े वो साइड निकाल दूँगी, फिर वो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाल के छोड़ दिया एक कुर्ती अपनी, जो मैंने उस दिन शिवरात्रि वाले दिन पहनी थी ना वाइट वाली, वो नहीं है, तो मैंने उसको अलग ही वॉश किया। मैंने कहा कभी कभी इसमें ना कॉटन की वैसे है, क्योंकि कॉटन के कपड़े में ना दूसरा कलर बहुत जल्दी चला जाता है, तो फिर मैंने वो डाल के छोड़ दी। मैंने कहा चलो ये पहले धुल जाएगी, उसके बाद फिर ये वाइट वाले जो भी कपड़े सारे वो डाल दूंगी। तो यहाँ बस देखिए सारे निकाल कर रख दिए, कुर्ती डाल दी है, थोड़ी देर में ये निकाल दूंगी बाकी डाल दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे देखिए बस लगाने लगी, बिस्तरे वगैरह उठा दूंगी, क्योंकि बिस्तरे भी अभी ऐसे ही पड़े थे, अभी तक नहीं उठाए थे ना मैंने। और बच्चों को छोड़ने की वजह से फिर उनका लंच वगैरह भी बनाया तो टाइम तो लगता ही है, और फिर जब बच्चे भी लेट रहे थे मैं कहा चलो चले जाएंगे, फोल्डिंग वगैरह ही उठाए थे बस मैंने पहले यहाँ से। और अब हम यहीं पे ही सोते हैं इस वाले रूम में कूलर चला के, क्योंकि अभी एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती रात को, मौसम रात को ठीक हो जाता है, दिन में तो खैर गर्मी होती है लेकिन रात को नहीं इतनी होती, जैसे कूलर की हवा लगती है तो उससे अच्छा मौसम हो जाता है। तो अभी बस यहीं पे ही लेट जाते हैं, फोल्डिंग डाल लेते हैं। तो जो बिस्तरे वगैरह वो सारे मैंने उठा के रख दिए हैं, संगवा दिए, और उसके बाद जो सामान है वो उठा दूंगी और कूलर को लगा दूंगी साइड में,
दिन में नहीं कूलर चलाते क्योंकि विंडो खोल दूंगी जिससे कि हवा मतलब अच्छे से आर पार होती रहे। दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर दिन में तो हम थोड़ी बहुत ही देर अगर चलाते हैं जैसे बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से, उसके बाद फिर हम एसी चला लेते हैं दो बीच में 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं, बीच में दोपहर से के टाइम। और यहाँ पे क्योंकि दिन में थोड़ा सा तपन भी, गर्मी तेज़ धूप हो जाती है ना उसकी वजह से गर्मी लगती है, तो यहाँ पे बस क्या नाम, मैंने सारा सामान उठा दिया जो भी सामान एक्स्ट्रा था, उसके बाद जो बेडशीट वगैरह वो सारी संगवा दूंगी। और गुड्डू के पापा मैं जैसा बता रही थी तो आज गए हैं रामपुर और उनको जाना है अपनी बुआ जी के यहाँ से, उनकी जो बड़े वाली बुआ जी है उनकी तबीयत हो रही है ख़राब, तो इस वजह से मैं उनको देखने के लिए गए। जाना तो मुझे भी था लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बच्चों के अब एग्जाम चल रहे हैं और उनको अगर मतलब छुट्टी वाले दिन जाते तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी है कि बच्चों के पेपरों का भी देखना पड़ता है, ये नहीं है कि भाई चलो चले जाओ, बच्चों का सारा ही कुछ है स्कूल वगैरह का, तो फिर ये कहने लगे चल तू बाद में चल जाइए अभी मैं चला जाता हूँ, तो वे वहाँ पे गए हैं देखने के लिए। बल्कि नीरज भैया भी बोल रहे थे कि तुम चले जाओ और बच्चे उधर से चले जाएंगे। फिर यह है कि अगर एग्जाम ना हो तो अलग बात है, अगर एग्जाम होते हैं ना बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब से हो जाते हैं। फिर गुड्डू का ज़्यादा पड़ता है क्योंकि गुड्डू स्कूल से भी आती है फिर ट्यूशन जाती है फिर आना, फिर एक उसके साथ बन जाता है क्योंकि लाना ले जाना उसको, फिर इधर क्योंकि इधर से ही जाएगी वो इधर ही आएगी, फिर उधर जाना तो और ज़्यादा उनका भी काम बढ़ जाएगा और फिर टेंशन सी हमें भी हो जाएगी। मैंने कहा मक्का नहीं कोई बात नहीं बाद में चल जाऊँगी अभी नहीं मैं जाऊँगी, अभी बच्चों का भी फिर इशू को भी देखना, देखो पेपर में सारा मतलब मुझे इसको देखना पड़ता है इसको पढ़ाना भी, फिर एक दिन की वजह से ही बच्चों का सारा वो ख़राब हो जाता है। मगर नहीं अगले एक हफ्ते की बात है, अगर जाना होगा अगले हफ्ते देख लूँगी, मतलब जब भी टाइम लगेगा जब देख आऊँगी, तो अभी वे ही गए बस गुड्डू के पापा ही। तो यहाँ पे बस मैं लगी गई थी, उसके बाद मैंने अपने दोनों रूम कर दिए हैं क्लीन बिल्कुल। आज मैं सोच रही मगर चलो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर दूँगी क्योंकि जब ये नहीं होते फिर मैं ज़्यादातर अपने काम में ही लगी रहती हूँ, एक तो इनके साथ थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो जाता है, देखो जब ये जाते हैं उसके बाद फिर नहा धो के मैं नाश्ता वगैरह भी बनाती हूँ, आज मुझे नाश्ता भी नहीं बनाना, वे भी चले गए और मैं भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वर्थ है, तो इस वजह से तो काम इतना नहीं था। मैंने सोचा चलो आज जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो मैं कर लेती हूँ झाड़ पूछ। तो कमरों में भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग सी की है, मतलब सामान वगैरह थोड़ा बिखरा सा पड़ा था, टेबल वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन करके लगा दिया कपड़े अलमारी में। अब उसके बाद बाहर की बारी आ गई, यहाँ पे फिर मैंने जो सोफे के कवर है वो उतार दिए और अब ये दूसरे वाले मैं डाल दूंगी, और बस ये झाड़ के अच्छी तरीके से झाड़ दिए पहले क्योंकि धूल सी तो आई जाती है चाहे कितने भी हम कवर कर लो लेकिन फिर भी धूल आई जाती है, तो ये वाले कवर इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। दूसरे ब्लू वाले कवर का यह है कि मैं पूरे सोफे अच्छी तरीके, ये ब्लू वाले कवर का क्या है कि वो सोफे ना पूरे अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं, उनका ये फ़ायदा, इसीलिए मैं ज़्यादातर उनको डालती हूँ क्योंकि इनमें रहती है काफ़ी जगह खुली और जहाँ पे खुली सी रहती है वहीं से ही ये सोफे गंदे से हो जाते हैं, जहाँ पे कवर है वहाँ से तो बिल्कुल क्लीन है लेकिन जहाँ पे नहीं है ना वहाँ पे गंदे से हो रहे, थोड़े से वो हो जाते हैं काले काले से। यहाँ पे देखिए पूरे कवर मैंने लगा दिए, बस इन कवर की सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी खासियत ब्राउन वालों की, इनको जैसा डाल दो ऐसे ही ये रहते हैं, ये उतरते नहीं, वे उतरते हैं ब्लू वाले और ये बिल्कुल नहीं उतरते, ये तो चिपक जाते हैं एकदम अच्छी तरीके से, तो इसलिए ये डालने ज़्यादा बेटर लगते हैं और ये तो खैर खिलते भी हैं। तो उधर की क्लीनिंग पूरी होगी, टेबल वगैरह पे मैंने कपड़ा मार दिया, खूब झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है साफ। अब बारी आ गई है ऑफिस की, ऑफिस में भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी और क्योंकि दिन में मैंने जैसा बताया यहीं पे ही रहते हैं, बच्चे भी यहीं पे ही खाना पीना खा लेते हैं, दोपहर के टाइम तो हम यहीं पे ही रहते हैं तो पढ़ाई पढ़ुई भी बच्चे करते हैं तो इसलिए ज़्यादा ही फैल जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी, आंटी को आएगी बाद में देखना मुझे, लेकिन इस वाले रूम में तो मुझे खुद ही करना होता है तो वो तो मेरा रूटीन है ही, उधर मेरी मशीन भी लगी हुई है तो जब तक मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं अपना जो भी काम है मेरा वो भी मैं करती रहूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया है झाड़ पूछ अच्छी तरीके से, उसके बाद बस जो पोछा है झाड़ू है वो लगाऊंगी, फिर मैं करूंगी आंटी को फोन, देखती हूँ वे आएंगे या नहीं, अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर अपने आप ही करूंगी। तो इसी तरीके से मेरा जो रूटीन है
वो होता है जैसा कि आपको पता, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। फिर मैंने इसके पापा की टेबल वगैरह भी साफ़ कर दी। कपड़ा वो मार, वैसे तो वे रोज़ अपने आप ही मारते हैं टेबल पे कपड़ा जब मैं काम करते हैं, लेकिन आज तो वे हैं नहीं तो मुझे ही मारना। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, जैसा मैं नहीं है जब तो यहाँ पे चलो क्यों करनी सफाई, मेरा मन नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं यहीं से ही हमारे सारे मतलब घर चलता है, इसी वाले रूम से ही, इसी में ही हम काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लीनिंग करना सबसे बेस्ट लगता है कि नहीं मुझे ये करनी चाहिए। भले ही मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं ये डेली का ही काम है मेरा, मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह के टाइम मैं करती हूँ क्लीनिंग। तो बस पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर पूरा और डाल लूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।